अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़िया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके खारा दर में और मेरी तरफ़ से आप सभी को बहुत बहुत नया साल मुबारक। दुआ है कि नया आने वाला साल हम सब के लिए खुशियों का, रहमतों का, बरकतों का साल साबित हो और कोरोना से भी हम सब की जान छूट जाए मुकम्मल तौर से। यहाँ खारा दर में स्पेशली हम आए हैं ट्राई करने के लिए मुंबई पाव भाजी, क्योंकि आपको पता है कि पाव भाजी जो है ना वो मुंबई की डिश है और यहाँ पर एक शॉप खुली है जिसका नाम ही मुंबई पाव भाजी है, तो उसको हम ट्राई करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे सूप मिल रहा है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, उसको देखेंगे। यहाँ पे पिज़्ज़ा ट्राई फ्राई है, वहाँ पे लावा पिज़्ज़ा कोई नया उनका आइटम है वो ट्राई करेंगे। और खारा दर की फूड स्ट्रीट के अंदर बहुत ही नई नई चीज़ें नज़र आती हैं, जब भी यहाँ पर आते हैं उन सब चीज़ों को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। आपके सूप के ऊपर रश चल रहा है, क्या खास बात है जी? बस जिधर माल अच्छा मिलता है वहीं ग्राहक आते हैं, आगे भी सूप वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, माल की बात है। चिकन कौन सूप है? कौन सूप? चिकन कौन सूप? ये 40 साल तो मेरे हो गए, इससे पहले का ये दुकान 40 साल हो गए। हाँ मेरे 40 साल। खारा दर का मशहूर है ये? हाँ मशहूर है। क्या नाम क्या है इसका? चाइनीज चिकन कॉर्न सूप, बस यही नाम है? नाम चिकन कॉर्न सूप है, बनाने वाला शहजाद नाम है उसका। शहजाद आपकी दुआ की है भाई, ख़त्म ना हो जाए ये, अभी सूप ख़त्म हो गया था। अरे भाई यहाँ पे भाई हमारे माशाल्लाह सूप पीना आए थे आप लोग? जी बिल्कुल। कैसा सूप होता है इनका? जबरदस्त जबरदस्त। चिकन पापी बड़े स्पेशल बना रहे हैं। स्पीड फूड हमारे में भी स्पीड बहुत है, स्पीड बहुत है तुम्हारी है। महाराज जी के मालिक किधर जा रही हो? उसके अंदर जो है भाई पापड़ी भी डाली जा रही है, जबरदस्त। कितने का है एक प्याला? एक प्याला 180 रुपए का अंडा चिकन है और अंडा चिकन पापड़ी 100 रुपए का। अच्छा अंडा चिकन पापड़ी 100 रुपए का। बोलो बोलो। ये आ गया भाई हमारा सूप। हाँ भाई तो सूप हमारा आ गया है और सूप को हम जरा मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। बहुत ही ज़बरदस्त सूप है, देखने में ही बहुत मज़ेदार लग रहा है। और पापड़ी के साथ जो है ना वो 100 रुपए का है, वैसे ही 80 रुपए का है। लेकिन सूप में मैंने कभी पापड़ी ट्राई की नहीं है और पापड़ी मेरा ख्याल है कि चाट में ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म चिकन कॉर्न सूप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन की बहुत ही ज़बरदस्त मकदार इसके अंदर मौजूद है भाई, कुछ और भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत मुनासिब रेशो के अंदर हैं। एक पूरा अंडा जो है वो इस सूप के अंदर मौजूद है और काफ़ी गाढ़ा सूप है। और खारा दर के लोग वैसे भी खाने पीने के बहुत शौकीन हैं माशाल्लाह, इसीलिए यहाँ जितनी भी दुकानें हैं सभी माशाल्लाह सब पे रश है और ये सूप भी बहुत ही बेहतरीन है। भाई ये है फाज भाई,
थारादर के फेमस मशहूर शख्सियत चिली ड्राई फ्राई, तो इन्होंने मुझे बताया था पहले भी कि इनका लावा पिज़्ज़ा जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है और वो ट्राई करें। तो थारादर आए हैं और मुंबई की पाव भाजी तो अभी हम ट्राई करेंगे ही, लेकिन पहले ज़रा लावा पिज़्ज़ा जो है इनका किस तरह बन रहा है ज़रा ये देखते हैं और ट्राई करते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। ज़बरदस्त माशाल्लाह माहौल बना हुआ है यहाँ पे, फ्राइज तो यहाँ के हैं ज़बरदस्त, और यहाँ पे ब्रोस्ट जिंगर विंगर भी शुरू हो गया मुझे लग रहा है, जिंगर है ब्रोस्ट है क्लब स्टार्ट किया है, स्टाफ की जो तादाद है उसमें भी इजाफा हो गया है, काफ़ी माशाल्लाह काम के हिसाब से रखना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे ये बन रहा है क्या बन रहा है भाईजान? ये लावा पिज़्ज़ा की तैयारी, लावा पिज़्ज़ा की तैयारी हो रही है भाई। फैजान भाई बना रहे हैं लावा पिज़्ज़ा, आपके छोटे भाई हैं? फैजान भाई के छोटे भाई हैं फैजान भाई। चीज आ गया भाई, ये बहुत ही जबरदस्त। ये बहुत ही ज़बरदस्त की कैप्सिकम है, हरी प्याज है, चिकन है, ऑलिव है, एलपिनो है, रशियन सैलड है, चिलीज हैं, और बहुत ही कोई हैवी ड्यूटी चीज़ लग रही है मुझे ये। अच्छा डबल लेयर होगी, इसको सैंडविच बन जाएगा बेसिकली। अच्छा ये बन जाएगा भाई सैंडविच। ओहो कितने का होता है ये लावा पिज़्ज़ा? ये 400 का, 400 रुपये। क्योंकि इतनी चीज़ें डल रही है तो भाई पैसे भी उसी हिसाब से होंगे। नहीं ये नज़र आ रहा है कि बहुत ही कोई हैवी ड्यूटी चीज़ है ये। अच्छा भाई ये जो है ना ये रेडी हो गया ओवन में जाने के लिए, अभी से जो है ना वो लग रहा है कि इतनी चीज़ें इसके अंदर के मुँह में पानी आ रहा है और चीज़ की जो मिकदार इसके अंदर डाली गई है तो चेक कर दे। ओके भाई ये आ गया है हमारा लावा पिज़्ज़ा और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया था भाई। भाई चेक करें आप ये जो इसके अंदर चीज़ें हैं ना, बहुत ही कोई हैवी ड्यूटी लावा पिज़्ज़ा है ये। चीज़ की बाहर इसके अंदर है और दो एक ऊपर है एक नीचे है, तो एक तरह का ये सैंडविच भी है और बहुत ही मज़ेदार किस्म के सॉसेज इसके अंदर इन्होंने डाले थे। बहुत गर्म हो रहा है लेकिन मैं इसको ट्राई करूँगा गर्मा गर्म। चीज़ जो है ना वो जगह जगह से टपक रहा है, समझ गए आप? बहुत ही ज़बरदस्त लावा पिज़्ज़ा है भाई, बहुत ही मज़ेदार। इसको मैं ज़रा फिनिश करता हूँ और उसके बाद चलते हैं आगे मुंबई पाव भाजी पे, बहुत ही आला। अच्छा भाई ये हमने अभी जो लावा पिज़्ज़ा ट्राई किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त, आगे जा रहे हैं मुंबई पाव भाजी के लिए। लेकिन यहाँ पे ये है उसामा भाई, और उसामा भाई हैं एक अपकमिंग टिकटॉकर और इनकी आईडी है मिस्टर उसामा वन एट। उसामा भाई कुछ अपना टैलेंट दिखाएं आप। क्या ये नीचे करो ना, ये क्या यार लपकी सारे सारे भाई कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो अब कौन सा टैलेंट दिखा गाना का, कोई गाना कौन सिंगर कौन पसंद है तुम्हें? भाई डायलॉग सिंगर साहिल अली बागा मतलब सॉन्ग मतलब गाना है क्या हुआ ये आप थोड़ा गाइड कर दो। सारे लग बगिया के गाने कौन से हैं? मैंने सुने नहीं है। दीवान की और एक वो है मैं वो दुनिया सुना हूं ना। ये भाई मेरे साथ सुना भाई। ये उसामा भाई जो है ना ये थोड़े शर्मा रहे हैं गाना सुनाने में, तो इनके साथ ही आ गए जरा साथ देने के लिए। चले भाई चले भाई, 1 2 3 देर हो रही है, मैं स्टार्ट करूं। तू स्टार्ट कर भाई। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, आपका अरमा आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जजता ही नहीं आँखों में कोई।
दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ये भाई ये आप इसको फॉलो करें ना करें टिकटॉक पे आपकी मर्जी, लेकिन असल टैलेंट है ये। इसका आपकी आईडी क्या है? मेरी टिकटॉक पे आईडी, टिकटॉक पे आईडी नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद अम्मार है। मोहम्मद इंस्टाग्राम पर है, मोहम्मद अम्मार बंदे, मोहम्मद अम्मार के नाम पर, मोहम्मद अम्मार के नाम से इंस्टाग्राम पे सिंगर को फॉलो करें और आगे लेके जाएं। अब हम जा रहे हैं आगे, चले मुंबई पाव भाजी, इसका क्या रीजन है? रीजन ये है कि ये डिश जो है पाव भाजी, ये इंडिया की है। सही, तो इंडिया की डिश है तो हिसाब से इसका नाम रखा हुआ है। ये वो तो इंग्रेडिएंट्स वगैरह आप कभी गए इंडिया क्या? नहीं, कभी नहीं गए। तो ये आपने कैसे सीखा ये बनाना? ये छोटा भाई मेरा दुबई में था। अच्छा, उसने वहाँ सीखी है, इंडियन शेफ से सीखी है। तकरीबन 7-8 आइटम सीखे हैं उसने। अच्छा, माशाल्लाह। इरफान भाई, ये जो इसके ऊपर चटनी डाल रहे हैं ये क्या है? बेसिकली चटनी है क्या है ये? चटनी नहीं है, पाव के ऊपर जो हम मसाला या लिक्विड डालें ये चटनी नहीं है। ये पाव फ्राई करने के लिए हम लिक्विड तैयार करते हैं, मक्खन होता है, तेल होता है, पाव भाजी का मसाला होता है, दो और मसाले इसमें ऐड करते हैं, हरा धनिया होता है, उससे ये एक लिक्विड तैयार होता है पाव फ्राई होने का। ये आपने यहाँ पे अंदर जो है ना वो तस्वीरें भी लगाई हुई हैं हाजी अली की और मुंबई की स्काईलाइन की, तो इसका क्या रीज़न है? देखें भैया, रीज़न ये है कि नाम हमने रखा है मुंबई पाव भाजी, तो उसका लुक देने के लिए हमने ये तस्वीर लगाई हुई है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी हैं हम। सही सही, और सबसे पहले पाकिस्तान। सिंगल प्लेट 120, डबल 180। मसाले वाले और को बताया, तीन मक्खन वाले और तीन मसाले वाले देना। तो एक प्लेट वो सब्जी भी कर दो, सब्जी भी कर दो। ये मक्खन और मसाले वाले अलग होते हैं क्या? हाँ, मसाले अगर जैसी चॉइस कस्टमर की, अगर कोई कहता है कि हम स्पाइसी नहीं खाते हैं तो हम उसको बटर के अंदर जो है ना फ्राई करके देते हैं। और ये जो सब्जी है ये घर में बना, घर में तैयार भाजी घर में तैयार होकर आती है। हाँ जी, तो हम मौजूद हैं इरफान भाई के मुंबई पाव भाजी के ऊपर, और यहाँ पे मैं ये तस्करा करना ज़रूरी समझूंगा कि पिछले दिनों खबरों में देखा हमने कि इंडिया में एक कराची बेकरी है जिसके नाम को लेके कुछ खबरें सुनने में आई, उनके ऊपर तो मैं तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई ये जो फूड है, ये मुंबई की पाव भाजी है या कराची बेकरी के बिस्किट हैं या केक्स हैं या जो कुछ भी है, ये फूड लोगों को जोड़ता है, इंसानों को जोड़ता है, दिलों को जोड़ता है, और हमारी भी यही कोशिश है। यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसानियत को, पॉजिटिविटी को, उसको आगे रखते हैं, और आई एम श्योर के सरहद के उस पार भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आते रहते हैं। और ये मुंबई पाव भाजी जो है ये इस बात का मज़हर है कि जो है ना वो फूड जो है वो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है जो लोगों को आपस में जोड़ती है। और इसी नोट के साथ देखते हैं कि पाव भाजी किस तरह बन रही है और उसको ट्राई करते हैं। आप लोग कहते रहते थे कि भाई वेज फूड दिखाएं, वेज फूड दिखाएं, तो भाई आ गए हम मुंबई की पाव भाजी खाने कराची के खाराधर में। ये भाजी है तकरीबन 8-10 किस्म की सब्ज़ी है और देसी मक्खन से ये तैयार होती है। इसका एक स्पेशल मसाला होता है, वो हम खुद तैयार करते हैं। तकरीबन 14 मसाले पाकिस्तान के हैं और 3 मसाले इंडिया से हम मंगवाते हैं। उन मसालों को भी तैयार करना पड़ता है। तकरीबन 17 मसालों से एक मसाला बनता है और उस एक मसाले से पाव भाजी बनती है। ओ हो 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 भाई, बहुत ही ज़बरदस्त हो गए भाई। मुंबई पाव भाजी खाराधर कराची के अंदर हमारे सामने आ गई है, और ये है भाई पाव, हमारी ज़बान में तो इसको कहते हैं बन,
लेकिन मुंबई की ज़बान में इसको कहते हैं पाव, हैं अखलास भाई। और ये है यहाँ पे भाजी और साथ में इसके प्याज है और नींबू भी है इसके ऊपर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं भाई, मुंबई पाव भाजी ये आप चेक करें, बहुत ही सॉफ्ट पाव है ये। और इसके ऊपर ये जो इनकी चटनी होती है वो भी इन्होंने इसके ऊपर डाली हुई है। और इसके ऊपर हल्का सा आप ये चेक करें, ये बटर भी है जो कि देसी बटर है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। क्या बात है लाल भाई, बहुत ही बेहतरीन जायका है भाई। और इरफान भाई ने बताया था कि इस पर 17 मसाले हैं, 15-14 मसाले यहाँ के, 3 मसाले जो हैं वो सरहद पार से हमारे पास आए हैं। बहुत सारी 8-10 सब्जियां हैं इसके अंदर, लेकिन जिस तरह से इसको इन्होंने मैश किया है और बटर इसके ऊपर है और बन के साथ और चटनी के साथ जो इसका टेस्ट बन रहा है, बहुत ही हल्का सा चटपटा सा मसालेदार मज़ेदार। भाई मैंने पहली बार ट्राई किए ये पाव भाजी और बहुत ही बेहतरीन आइटम है भाई। थोड़ी सी इसके ऊपर प्याज भी डालते हैं और हल्का सा मैं ये लीमू का तड़का भी इसके ऊपर दूँ। प्याज और लीमू तो इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसकी चटनी और मसाले ये सारी चीज़ें हैं ना, तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत नाम सुना था मुंबई की पाव भाजी, मुंबई की पाव भाजी, और कभी खाई नहीं थी। आज खारा दर के अंदर मुंबई की पाव भाजी भी टेस्ट कर ली कराची के खारा दर में, क्या बात है। और सबसे अच्छी जो बात, जो यूनिक बात है ना यहाँ की, लेकिन जायका वायका तो अपनी जगह, लेकिन जो जिस जगह की ऑथेंटिक चीज़ है वो नाम इन्होंने वैसे ही रखा है, मुंबई की पाव भाजी। और यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंडियन स्ट्रीट फूड भी लिखा हुआ है। और नए साल के ऊपर हमारी तरफ से ये मोहब्बत का प्यार का पैगाम है। और वाकई भाई ये मुंबई की पाव भाजी जो है ना, कमाल है। ज़बरदस्त। ताज मोहम्मद भाई बना रहे हैं यहाँ पे भाई ज़बरदस्त किस्म की चाय, और अभी हमने पाव भाजी खाई है, और पाव भाजी के बाद चाय तो बनती है, ज़रूरी है। और चाय बन रही है भाई यहाँ पे लकड़ी के ऊपर, लकड़ी का टेस्ट अलग आएगा वैसे है, टेस्ट अलग आएगा है, बहुत ही आला भाई, ज़बरदस्त चाय बन रही है। चाय बहुत ही ज़बरदस्त है और भाई बहुत ही मज़ा आया। उम्मीद है आप लोगों को भी वीडियो पसंद आई होगी, और खारा दर तो वैसे भी मुझे पसंद है क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के का इन्वायरमेंट एक बहुत ही अलग वाइब्स है यहाँ की। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। आने वाले दिनों में आप मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।